स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 बैंकिंग चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर राजीव आनंद कौन है। ये हैं आपके मिस्टर राजीव आनंद। हैज ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज 400 पर मंथ। पर मंथ ये कितना सबमिट कर रहे हैं? 400। एंड फॉर हाउ मेनी मंथ? फॉर 20 मंथ्स इन अ बैंक। यानी कि हमको पे मिल गया और एन मिल गया। फाइंड द अमाउंट यानी मैच्योरिटी वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, अमाउंट कब का पता करना है? मैच्योरिटी के टाइम का। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5% पर एनम एंड इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि सबसे पहली चीज क्या यहाँ पे हमें मिली हुई है, वो है आपका प्रिंसिपल, दैट इज 400। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे आपके 20 दिए हुए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए पी इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन में 100। यही फॉर्मूला है हमारा। पी की वैल्यू कितनी है? 400। एन की वैल्यू 20, तो इंटू 21 लिखेंगे। इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 8.5 अपॉन में 100। डेसिमल रिमूव किया, जीरो पुट किया और यहाँ लिखा 2 इंटू 12। अब देखो, दो जीरोस और एक तीन, तीन जीरो ऊपर तीन जीरो नीचे कैंसिल हो गए। 2 से 2 यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। 4 वन जा 4 3 जा कैंसिल, 3 वन जा 3 7 जा हो गया। अब कितना आएगा आपका? 7 इंटू 85 करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 8 7 जा 56 और 7 5 जा 35, 560 और 35 कितने होते हैं? 595। आपको क्या निकालना था यहाँ पे? मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या आएगी? पैसा जो आपने डिपॉजिट किया, मनी डिपॉजिटेड, यानी कि पी, यानी कि 400 पर मंथ 20 मंथ के लिए, और साथ में जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया, कितना आ जाएगा ये? 20 इंटू 400 प्लस 595। ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 2 जा 8 8000 प्लस 595। इट मीन्स मैच्योरिटी पे उनको कितना मिलेगा? 8595 मिलेगा। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस सविता खोसला डिपॉजिट्स ₹900 पर मंथ इन अ रेकरिंग अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। कितना जमा कर रही हैं? पी की वैल्यू यहाँ पे 900 है, 900 पर मंथ वो सबमिट कर रही हैं। For 2 years, it means 24 month. If she gets 1800 as a interest at the time of maturity, maturity के time पे 1800 उनको क्या मिल रहा है? Interest मिल रहा है। Find the rate of interest if the interest is calculated at the end of each month. अब यहाँ पे आपको क्या नहीं दिया हुआ है? Rate of interest वही निकालना है। जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? पी की वैल्यू दी हुई है, एन इज इक्वल टू 24 मंथ हो जाएगा, टाइम आप 2 ईयर लिख के भी लिख सकते थे। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? तो इंटरेस्ट की वैल्यू है 1800। बगल में काम चल रहा है, बगल वाले का मकान बन रहा है, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड में भी साउंड आ रहा होगा कटिंग का, और वो किसी नॉइस रिमूवल से रिमूव नहीं हो पा रहा है। मतलब इवन पूरे घर में ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा लग रहा है। आई की वैल्यू क्या है? पी इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर अपॉन में 100 और यहाँ नीचे 2 इंटू 12। वैल्यूज पुट करते हैं सारी। 1800 यहाँ पुट कर दिया, 900 यहाँ, इंटू हाउ मेनी मंथ? 24, तो 24 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन में 100। इसी आर की वैल्यू हमको चाहिए। अब देखो, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल कर दिया मैंने ऊपर नीचे, 12 2 जा 24 से 24 कैंसिल हो गया,
कितना आया 25 × 9 और आर आया, तो 1800 इज इक्वल टू 25 × 9 × आर। इट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 ऊपर और 25 × 9। कैंसिल करो, 9 × 1 = 9, 2 = 2, 200 से 25 वन और 25 से 8 टाइम्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर ब्राउन डिपॉजिट करते हैं कितना, 1100 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 16 मंथ। तो क्यूमुलेटिव का मतलब भी वही हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। इफ एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी ही गेट्स 19,096, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको देखो प्रिंसिपल तो दे दिया कि 1100 है यहाँ पे पी की वैल्यू जो पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है, एंड दिया हुआ है आपका 16 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू जो दी हुई है वो मैच्योरिटी वैल्यू भी लिख लेते हैं हम 19,096। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखो एम भी दिया हुआ है। एक्चुअली में जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी इंटू एन जो मनी डिपॉजिट किया वो प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट तो हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन हमको पता है कि 1100 हम डिपॉजिट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए, तो 16 मंथ के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, आई है, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 19,096 यही है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, 16 × 16 = 6, 16 × 16 = 1 17, कितना आ जा रहा है, 17600 प्लस आई इज इक्वल टू 19,096। यानी कि अगर इंटरेस्ट निकालना चाहें हम तो कितना निकल जाएगा आपका, 19,096 में से माइनस करना होगा 17,600 को, इसको माइनस करो कितना आएगा, 19,096 - 17,600, तो ये 96 ऐसे ही आ गया, 4 आ गया, और ये कितना आएगा, अब 8 में से 7 गया 1, ये कितना आ रहा है 1496। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1496 आ गई। अब इस इंटरेस्ट की वैल्यू को हम रख देते हैं, आई एक्चुअली में होता क्या है, तो आई होता है हमारा पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। पुट करो वैल्यूज, आई हमारी 1496 इज इक्वल टू पी का कितना है 1100 इंटू एन का कितना है 16 और 16 + 1 = 17 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखो ये दो जीरोस, इस दो जीरोस को कैंसिल कर देंगे 2 से 1 टाइम्स में 2 से 8 टाइम्स में। इतने पे ही हम रुकेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो 8 × 7 = 56 और 56 हो जा रहा है और 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ सकता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 11 × 8 = 88 इंटू 17, तो ये आएगा 1496। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1496 इज इक्वल टू 1496 इंटू आर अपॉन में 12। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1496 इंटू 12 अपॉन में 1496, कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 12%। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संध्या हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन विजया बैंक। संध्या का रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहां पे है, विजया बैंक में है, एंड डिपॉजिट्स
₹400 फॉर 3 ईयर्स, ₹400 पर मंथ, कितने के लिए? 3 ईयर्स, इट मीन्स 36 मंथ के लिए, एन की वैल्यू 36। इफ शी गेट्स 16,176 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। अब इसमें भी आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी की वैल्यू कितनी है, 400। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है देखो 3 ईयर, तो एन कितना हो जाएगा, 36 मंथ, तो 36 हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे टोटल इसको मिली है 16,176। यहाँ पे भी मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, इंटरेस्ट नहीं पता है आपको, तो मैच्योरिटी वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, इज इक्वल टू पी इंटू एन, मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। तो 16176, 16,176 इज इक्वल टू 36 इंटू 400 प्लस आई। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16176, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 14,400। 14,400 को इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16176, 14,400, 76, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 1, 1776, कितना आ गया इंटरेस्ट, 1776। अच्छा इंटरेस्ट क्या होता है आपका, I इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 100, और इधर 2 × 12 रहेगा, तो I की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1776 इज इक्वल टू 400 इंटू 36 इंटू 37 इंटू आर अपॉन में 2 × 12 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया यहां पर, अब 12 1 12 3 36, 2 1 2 2, क्या आया मेरे पास, 1776 इज इक्वल टू 2 × 3 × 37 इंटू आर अपॉन में कितना आ गया, कुछ नहीं है ना, नीचे तो सब ओवर हो गया। ठीक, आर की वैल्यू देखते हैं क्या होगी, यहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1776 होल अपॉन में 2 × 3 × 37, 2 8 जा 8 जा 8 जा, 3 से कैंसिल होगा क्योंकि 24 आ रहा है ऐड करने पे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 7 8 जा 56 होता है ना, तो 37 से कितनी बार में चला जाएगा, 8 टाइम्स में। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 8%, और यही हमको निकालना था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ मैन डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 12 मंथ, इट मीन्स यहाँ पे आपको एन की भी वैल्यू मिल गई और पी की भी वैल्यू मिल गई। अंडर द रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, वॉट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। यहाँ पे आर की भी वैल्यू मिल गई एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे आपको पी की भी वैल्यू पता है, एन की भी वैल्यू पता है और आर की भी, तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है, पी की वैल्यू है 600, एन हमारा कितना हो गया 12 और आर कितना हो गया हमारा 8%। आई निकालते हैं, इट मीन्स इंटरेस्ट, पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1, ये हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल होता है हमारा जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटू आर बाई 100 मंथली। अब ये
कैलकुलेट करो वैल्यू रख के, तो कितना आएगा 600 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 1 13 इंटू आर यानी 8 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 वन टाइम्स में, 2 थ्री टाइम्स में। I इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा 3 8 24 इंटू 13 हो जाएगा, या 13 3 39 इंटू 8 कर लो, कितना आ जाएगा 8 9 72, 8 3 24 और यहाँ पे 24 और 7 31, 312 रुपीस ये आ जाएगा इनके पास। अब आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू मनी डिपॉजिटेड यानी पी इंटू एन प्लस आई, पी इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 डिपॉजिट किया 12 मंथ के लिए, प्लस आई कितना है 312, कितना आ गया ये 7200 प्लस 312, कितना आ जाएगा 7200 और 300 7500। यानी कि 7512 उनको मैच्योरिटी पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अनिल डिपॉजिट्स रुपीज 300 पर मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 300, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का, इट मीन्स कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 24। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 10% पर ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट दैट अनिल विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन मिक्स, वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो भाई सारे ही क्वेश्चन लगाने हैं हमें, कोई भी एक स्किप नहीं करना है हमको। आई की वैल्यू P इंटू एन, एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन में 100, कितना आ जाएगा ये 300 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 10, आर की वैल्यू कितनी है 10% है वहाँ गिवेन है, ये रहा आपका आर की वैल्यू, तो 10 अपॉन में 100, तो इधर 2 इंटू 12 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 टू जा 24, 24 कैंसिल, ऊपर कितना बचा है 25 इंटू 3 इंटू 10, आई की वैल्यू 25 इंटू 3 इंटू 10, कितना आ जाएगा 750। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आएगी, तो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया 300 24 मंथ प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट, तो 300 इंटू 24 प्लस आई, तो 24 3 70 200 प्लस 750, 7200 में 700 तो 7950, ये जो है अनिल को मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सुधीर ओपेंड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ बैंक फॉर 1.5 ईयर, टाइम मिल गया आपको यहाँ पे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, एंड द बैंक पेज 1554 ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू भी दी हुई है, फाइंड हाउ मच डिड सुधीर डिपॉजिट पर मंथ, तो आपको बताना है कि पर मंथ आखिर वो कितना डिपॉजिट कर रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 ईयर का मतलब कितना हो गया 18 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन हियर 10% और मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है 1554, ये आपके मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है। एक बार भी हमने कंबाइंड फॉर्मूला नहीं किया है, तो यहाँ पे हम कंबाइंड फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी हम लिख रहे हैं यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन,
मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है पी इंटू एन पी इंटू एन एन प्लस वन इंटू आर अपॉन में 100 और यहां पे 2 × 12। अब सबकी वैल्यूज तो यहां पे पता है लेकिन मेनली पी की वैल्यू हमको नहीं पता है, हम पी को एज इट इज रहने देंगे, यानी कि 1554 इज इक्वल टू पी इंटू एन की वैल्यू 18 प्लस पी इंटू 18 इंटू एन प्लस 1 19 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% अपॉन में 2 × 12 × 100। 0 से 0 यहां पे कैंसिल हुआ, 6 × 3 = 6, 2 = 2 तो कितना आ गया ये 1554 इज इक्वल टू 18p प्लस 19 × 3 = 57p अपॉन में 2 × 2 = 4 और 4 × 10 = 40। कितना आएगा यहाँ पे 1554, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 18 × 4 = 72 720p प्लस 57p अपॉन में 40। फर्दर ये कितना आ जाएगा आपका 1554 इंटू 40 इज इक्वल टू 777 हो जाएगा ये पी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, पी इज इक्वल टू 1554 अपॉन में 777 और यहाँ पे इंटू कितना है 40। ये जस्ट इसका डबल है, 2 times में चला गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई 80, यानी उसका मंथली डिपॉजिट कितना था 80 rupees पर मंथ वो डिपॉजिट करता था। मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। अब यहां पे रेनू है, रेनू हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹200, 200 rupees का है पर मंथ, यानी ये 200 rupees पर मंथ डिपॉजिट करती हैं एट 10% पर एनम। अब दो चीजें मिल गई, पे मिल गया और आर मिल गया। इफ शी गेट्स ₹6,775 एट द, यहां पे कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। अब देखो यहां पे ना आपसे क्या पूछा है, टाइम, टाइम पूछा है, यानी एन की वैल्यू हमारे पास यहां नहीं है, तो जो वैल्यूज यहां पे हैं पहले वो मेंशन करो, पी इज इक्वल टू हाउ मच 200, आर की वैल्यू कितनी है 10%, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 6775, और क्या है, बस इतनी ही चीजें आपको यहां पे दी हुई हैं। यहां पे एन नहीं दिया हुआ है तो एन को एज इट इज रहने देंगे। मैच्योरिटी वैल्यू पिछले वाली की तरह यहां पे कंबाइंड फॉर्म में मैं करने जा रहा हूं, तो पी इंटू एन मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, यानी कि पी इंटू एन एन प्लस वन इंटू आर अपॉन में 100 और इधर आपका टू इंटू 12। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 6775 इज इक्वल टू पी यानी कि 200 इंटू एन प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 200 इंटू एन और एन प्लस वन, क्योंकि एन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, रेट कितना है 10 और नीचे 2 × 12 × 100। 0 से 0 कैंसिल, एक और 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 के टेबल में यहां ये 10 टाइम्स में जाएगा और 10 टाइम्स में जाने के बाद ये और भी कट हो रहा है ना, 2 × 5 = और ये कितना हो जाएगा 2 × 6 = कितना हो गया मेरे पास, ऊपर कितना आया, यहां तो मेरे पास 6775 है इज इक्वल टू 200 एन प्लस
फाइव एन एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 6775 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 1200 एन प्लस, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो तो 5n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5n अपॉन में कितना हो गया 6, 6 इस साइड लेके आते हैं 6775 इंटू 6 इज इक्वल टू 1200n और 5n कितना हो गया 1205n प्लस 5n स्क्वायर अपॉन में, सॉरी अपॉन तो अब खत्म हो गया ना, 6 उस साइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करो 6 5 30 का 0, 6 7 42 45 का 5, 4 6 7 42 4 4 से 6 तो 4 कैरी 6 6 जा 36 और 4 40, 40,650 इज इक्वल टू 1205 n प्लस 5 n स्क्वायर। क्या यह अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा? लग रहा है बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 5n स्क्वायर प्लस 1205n माइनस 40650 इज इक्वल टू 0। अब ये सारा देखो, ये तीनों क्या है, ये सारे टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं 5 से, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, यहां मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय 5, 5 से डिवाइड करोगे 5n स्क्वायर को कितना आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस 1205 को अगर करते हैं हम तो 5 2 जा 10, फिर यहां पे कितना आ गया 20, तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, 241 n आ गया, और माइनस यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 8 जा 40 और फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो यही मिडिल टर्म हमको स्प्लिट करना है, तो ये जो मिडिल टर्म आप स्प्लिट करोगे 8130 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन पे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 241, तो आप यहाँ पे लोगे माइनस का 30n और प्लस का 271n ले लोगे, ठीक है, ये आप स्प्लिट कर लेना, इसको n कॉमन लेंगे n माइनस 30, और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 271 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 30 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो n प्लस 271 इक्वल टू या तो 0 हो जाएगा या फिर हमारा n माइनस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n प्लस 271 इक्वल टू 0 करने पे n की वैल्यू माइनस 271 आ रही है, और कभी भी n यानी कि टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से n इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 मंथ्स के लिए 2.5 ईयर्स के लिए उसने डिपॉजिट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।